सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। जैसा कि आज 25 अक्टूबर 2020 है और आज माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम दिन है, तो माँ दुर्गा का अंतिम स्वरूप देवी सिद्धदात्री का है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन देवी सिद्धदात्री की उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वालों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की कृपा से ही सभी सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी कृपा से महादेव का आधा शरीर देवी का हुआ था और वो अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी साधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, साथ ही शोक रोग एवं भय से भी मुक्ति मिलती है। देव गंधर्व असुर ऋषि आदि भी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। देवों के देव महादेव भी इनकी पूजा करते हैं। इनका स्वरूप बहुत ही सौम्य और आकर्षक है। इनकी चार भुजाएं हैं। माँ ने अपने एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल और एक हाथ में शंख धारण किया हुआ है। देवी सिद्धिदात्री ही का वाहन सिंह है। ये माँ सरस्वती का भी स्वरूप है। देवी सरस्वती की तरह इन्होंने भी श्वेत वस्त्र धारण किया है। यज्ञ गांधर्व किन्नर नाग देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से नवरात्रि के 9 दिनों का फल प्राप्त हो जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देव ऋषि मुनि किन्नर यज्ञ दानव साधक और गृहस्थी में जीवन यापन करने वाले भक्त भी सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। इस देवी की पूजा करने से यज्ञ बल और धन की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कृपा से ही अनेकों सिद्धियां प्राप्त की थी। माँ की कृपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ था, इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अग्रिमा लालिमा प्राप्ति प्रकम्पय महिमा ईश्वत्व और विशिष्टता ये आ सिद्धियाँ हैं। मान्यता है कि अगर भक्त सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें तो ये सभी सिद्धियाँ मिल सकती हैं। मान्यता है कि माँ सिद्धिदात्री को लाल और पीला रंग पसंद है। इनका मन पसंद भोग नारियल खीर नवेद और पंचामृत है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियाँ हैं। अरिमा लालिमा महिमा गरिमा प्रकृप्त प्रकम्पय वशिष्ट और शिष्ट्व। लेकिन ब्रह्मवेद पुराण के अनुसार जिन सिद्धियों का वर्णन किया गया है वो इस प्रकार है। सर्व कामावासिता 2, सर्वज्ञाता 3, दूर श्रवण 4, परिकया प्रवेशना 5, वाक सिद्धि 6, कल्प वृक्षत्व 7, सृष्टि 8, अमृतत्व 9, संहार करण सामर्थ्य 10, सर्वन्यायकत्व। इस तरह से कुल 18 सिद्धियाँ हैं जिनका वर्णन हमारे पुराणों में लिखा है। माँ का पूजन और स्तवन निम्न मंत्र से किया जाता है। वंदे वंचिता मनोरथा चंद्रकृता शेखराम कमलस्थ चतुर्भुजा सिद्धदात्री यशस्विनम। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे माँ मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। जय माँ सिद्धिदात्री। माँ के सिर्फ 9 अवतार ही नहीं है, ये सिर्फ माँ के नवरात्रि की 9 शक्तियाँ हैं। माँ शक्ति में तो अनेक अवतार रूप हैं, जैसे आदि शक्ति आदि पराशक्ति महाशक्ति महालक्ष्मी योग माया कौशिकी महिषासुर मर्दनी महाकाली भद्रकाली राधा सत्यमामा रुक्मणी भूदेवी लक्ष्मी वैष्णव केला संकटा अम्बे और 10वें में आदि विद्या भी हैं। काली तारा भुवनेश्वरी सोत्सरी छिन्मस्तिका भैरवी चिंतामस्तिका ध्रुवती मातंगी कमला और नवदुर्गा आदि सारी माँ देवी सिर्फ आदिशक्ति का अवतार हैं। इन्होंने ही त्रिदेव और त्रिशक्ति को प्रकट किया है। मैं माता से ये कामना करती हूँ कि वो आप सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें और जो भी आपने कामना की हो जिसके लिए भी प्रयास किया हो आपको
भरपूर सफलता प्रदान करें। मैया की कृपा आप सबके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो। जय माँ अम्बे।